तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम आए हैं सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद NH24, और प्रोजेक्ट का नाम है प्रतीक ग्रैंड सिटी। और यहाँ आपको दिखाएंगे कैसे आपको 2 और 3 BHK रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। 40 एकड़ की ये पूरी टाउनशिप है, पूरी रेडी टू मूव इन है। क्लब हाउस से लेके सारी अमेनिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लोकेशन बहुत ही प्राइम है, NH24 से हार्डली 2 या 3 किलोमीटर के रेडियस में ये प्रॉपर्टी आ जाती है। सो आइए चलिए देखते हैं प्रतीक ग्रैंड सिटी, आइए। सो गाइज, वेलकम टू प्रतीक ग्रैंड सिटी। सो ये एक वन ऑफ द एंट्रेंस है सोसाइटी के अंदर जाने की, जहां आपको फुल फ्लेज मेन मार्केट मिल जाती है विद ऑल दी शॉप्स। बाहर ब्रॉड रोड मिल जाती है आपको, और ये इसका फ्रंट व्यू रहेगा बाहर एंट्रेंस पे। सो दिस इज द सेकेंड एंट्रेंस जो सोसाइटी के अंदर आने के लिए मिल जाती है। क्योंकि सोसाइटी काफ़ी बड़ी है तो 2 एंट्रेंस बिल्डर ने प्रोवाइड करा है, एंड दिस इज द फ्रंट व्यू। और सोसाइटी के अंदर चलें तो आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। टोटल 40 एकड़स की ये सोसाइटी है, जिसके अंदर आपको रेडी टू मूव इन 2-3 BHK अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। अगर आसपास लोकेशन की बात करें तो NH24 से हार्डली 2 या 3 किलोमीटर के रेडियस में पड़ती है। और यहाँ से आपको इंदिरापुरम जाना हो तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स ड्राइव यहाँ से इंदिरापुरम की है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आपको सारी इंटरनल अमेनिटीज़ के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। मल्टीपल पार्क्स आपको यहाँ पे अंदर मिल जाते हैं विद स्मॉल किड्स प्लेइंग एरिया, प्लस जो भी आउटडोर गेम्स होते हैं काफ़ी अम्यूनिटीज़ मिल जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द पार्क जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। ये एक पार्क है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सारे पार्क्स और सारी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। सो यहाँ आपको सिटिंग एरिया, वॉकिंग एरिया, काफ़ी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाती है, और बहुत ग्रीनरी आपको अंदर सोसाइटी के अंदर मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द बास्केटबॉल कम लॉन्ग टेनिस कोर्ट। बिल्डर ने बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है जो भी बाहर अमेनिटीज़ दी हैं। ये एक्चुअल पिक्चर आप देख पा रहे हैं। सो दिस इज़ दी बास्केटबॉल कम लॉन्ग टेनिस कोर्ट। इसके बाद बढ़ते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा किड्स प्लेइंग एरिया, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जो आजकल फैमिलीज को चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे किड्स काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है जैसे आप देख सकते हैं, और किड्स के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिल जाती है। सो दिस इज़ दी किड्स प्लेइंग एरिया। बाकी और भी एरिया है यहाँ किड्स के। सो गाइज, दिस इज़ दी क्लब हाउस फ्रंट व्यू। उसके सामने आपको बहुत ही ह्यूज स्विमिंग पूल मिल जाता है। इट्स रेनिंग तो थोड़ी वाटर डिस्टर्ब है, तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही ह्यूज स्विमिंग पूल प्रोवाइड बिल्डर ने कराया गया है, एंड दिस इज़ योर क्लब हाउस। आगे बढ़ते हैं तो दिस इज़ दी क्लब हाउस एंट्रेंस। ये आपकी क्लब हाउस की एंट्रेंस है, वेरी ब्यूटिफुली डिज़ाइंड, बहुत ही बेहतरीन लाइटिंग आपको इसमें मिल जाएगी। सो दिस इज़ दी ग्राउंड फ्लोर ऑफ द क्लब एरिया। एंट्री करते ही ग्राउंड पे आपको लेवल 1 ऑफ जिम मिल जाता है। इसके ऊपर जाएंगे तो लेवल 2 जिम भी मिल जाएगा, जहां आपको क्रॉस ट्रेनिंग के लिए और ट्रेडमिल की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और ये बाहर का व्यू आप यहां से ट्रेडमिल के थ्रू देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं, सो दिस इज़ दी स्मॉल किड्स एरिया, जहाँ पे बहुत छोटे बच्चे खेलना चाहें तो यहाँ पे आके खेल सकते हैं। दिस इज़ एन इंडोर एरिया। इसके बाद हम क्लब हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, जहाँ हमने आपको फर्स्ट फ्लोर का जिम सेक्शन दिखाया था, ये वही एरिया है। और यहाँ भी आपको काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं अम्यूनिटीज़ के लिए। जैसे कि पहला देख रहे हैं, सो दिस इज़ अ जनरल मीटिंग रूम, जहाँ आप कोई भी मीटिंग छोटी मोटी सोसाइटी की या अपनी पर्सनल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो बिल्डर ने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक डेडिकेटेड चेस एरिया दे रखा है, जो कि बहुत कम सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है। और जो एरिया है काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी ह्यूज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल योर चेस एरिया। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आपको कैरम एरिया मिलता है। दिस इज़ ऑल्सो अ डेडिकेटेड सेपरेट एरिया, जहाँ पे और भी बिल्डर अभी और भी इम्यूनिटी इंडोर गेम्स यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। जैसे कि आप स्पेस देख सकते हैं काफ़ी खाली है, बट फॉर नाउ यहाँ पे आपको कैरम की पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो डेडिकेटेड योगा रूम भी आपको मिलता है, यहाँ आप अपनी योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये भी बहुत स्पेशियस आपको रूम मिल जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो डेडिकेटेड TT रूम, टेबल टेनिस रूम आपको मिलेगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो दिस इज़ दी एक्चुअल लॉबी, फ्रंट लॉबी विथ 3 लिफ्ट्स। इसके आगे आपको फ्लैट दिखाते हैं। सो दिस इज़ दी सैम्पल फ्लैट, दिस इज़ 770 स्क्वायर फीट, 2 BHK बोल लीजिए या 1+1 बोल लीजिए। ये बिल्डर ने एक फर्निशिंग करके फ्लैट आने की कोशिश करी है, जहां आपको ये मॉड्यूलर किचन, उसके साथ यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है। छोटा सा आप डाइनिंग स्पेस भी यहां क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ में दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम, जो कि आपके या फिर गेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
सो दिस इज़ वन ऑफ द रूम, इसको आप छोटा किड्स रूम बोल लीजिए या स्मॉल रूम बोल लीजिए, स्टडी रूम बोल लीजिए, बहुत ही स्पेशियस है और यहाँ पे आपको विंडोज़ मिल जाती हैं वेंटिलेशन और लाइट सनलाइट के लिए। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, यहाँ पे आप प्रॉपर एक बिग बेड यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज़ विद अटैच वॉशरूम, इसके साथ में आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल बालकनी मिल जाती है और ये आपका पूरा एक मास्टर बेडरूम है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट, बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन है और इस फ्लैट के काफ़ी अवेलेबिलिटी है इस सोसाइटी में। सो दिस इज़ योर 1+1 770 स्क्वायर फीट। इसके आगे बढ़ते हैं, सो दिस इज़ दी वन ऑफ द बिगर साइजेस। इसके अंदर ये 3BHK बिल्डर ने एक सेमी फर्निश क्रिएट कर रखा है। इसके अंदर आपको लिविंग एरिया मिल जाता है, डाइनिंग स्पेस सामने आप देख सकते हैं, डेडिकेटेड पूजा स्पेस आपको मिल जाता है, इसको आप क्लोज करके रूम भी बना सकते हैं। इसके साथ में आपको ये छोटा सा स्टडी रूम है, इसको जो वर्क फ्रॉम होम लोग करते हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं। पूरा एक किचन स्पेस काफ़ी बहुत अच्छा स्पेस दे रखा है, उसके साथ में आप देख पा रहे हैं यूटिलिटी बालकनी के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस बिल्डर ने दिया हुआ है यहाँ पे। इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा, दिस इज़ विद अटैच बालकनी एंड अटैच वॉशरूम। ये देख सकते हैं दिस इज़ द अटैच वॉशरूम जो इस बेडरूम के साथ में आपको मिलेगा और सामने आपको बालकनी दिख रही होगी स्पेस और ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आपको अपने बेडरूम से मिलेगा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम जो आपको इसमें मिल जाता है। लेट्स मूव इन टू द सेकेंड बेडरूम जो 3 बेडरूम में आपको मिलेगा। उससे पहले आपको कॉमन वॉशरूम दिखा देते हैं, दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम एंड दिस इज़ योर सेकेंड बेडरूम। इसके अंदर आपको विंडो मिलेगी इंस्टॉल्ड प्लस सारा स्पेस आपको मिलेगा। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, बहुत ही ह्यूज मास्टर बेडरूम बिल्डर ने प्रोवाइड किया है विद अ वॉकिंग क्लोजेट। इसके साथ में सामने आप अटैच वॉशरूम देख सकते हैं और ये आपका पूरा बेडरूम रहेगा विद अ वेरी वाइड बालकनी एंड विद अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू आप सामने देख सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ 3BHK। सो ये ओवरऑल 2 और 3BHK का हमने एक सैम्पल का आपको कॉन्सेप्ट दिखाया है, बाकी आप जब विजिट करेंगे तो एक्चुअल सोसाइटी देख सकते हैं। थैंक यू गाइज। सो गाइज, होपफुली आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। जैसे कि आपने देखा, पूरी टाउनशिप रेडी टू मूव इन है। इसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं 2, 3 और 2+ स्टडी के। सो आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।